पैंडेमिक में अगर एक चीज जिसका कंटिन्यूअस डिस्कशन चल रहा है वो है इकोनॉमी का। हमारी इकोनॉमी डूब रही है, हमारी इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम हो रही है, लोगों के पास पैसा नहीं है, जीडीपी कम हो रही है, ये शब्द तुमने कई बार सुने होंगे एंड बिल्कुल ठीक ही सुने हैं, क्योंकि जीडीपी जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये इकोनॉमी के हालातों की बहुत अच्छी इंडिकेटर है। मतलब जीडीपी से वाकई पता चल सकता है कि हम इकोनॉमिकली मनी वाइज डिमांड वाइज हम लोग कैसा कर रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ जीडीपी से ही हम ये अंदाजा भी लगा सकते हैं कि जिस देश का जीडीपी हाई है वहां के लोग भी बहुत खुश हैं? क्या ऐसा है या वहां पे सोशल वेलफेयर या जो वहां पे लोगों के लिए काम किया जाता है वो भी बहुत बढ़िया है? चलिए आज की इस वीडियो में हम इसी चीज को डिस्कस करेंगे कि जीडीपी एंड सोशल वेलफेयर का आपस में क्या लेना देना है। वेलकम एवरीवन, हम लोग आप लोग देख रहे हैं इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस। इस समय चल रही है मैक्रो इकोनॉमिक सीरीज फॉर स्टैंडर्ड 12 और मेरा आज का टॉपिक है जीडीपी एंड वेलफेयर। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज एक साल में एक देश में कितनी प्रोड्यूस हुई, एंड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होने का मतलब ही यही है कि देश में लोगों के पास पैसा है, वो डिमांड कर रहे हैं, इसीलिए प्रोड्यूसर्स बना रहे हैं। तो यानी विन विन सिचुएशन है दोनों तरफ। तो जीडीपी जब बढ़ती है यानी इकोनॉमी इकोनॉमिकली पैसा वाइज डिमांड वाइज बहुत बढ़िया कर रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जीडीपी इन इटसेल्फ इज अ ग्रेट इंडिकेटर ऑफ सोशल वेलफेयर। मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि अगर यूएसए का जीडीपी बहुत हाई है या चाइना का जीडीपी बहुत हाई है वहां पे लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि गाइस फिलोसॉफिकली पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता और वेलफेयर तो डेफिनेटली सारा नहीं कर सकता, राइट? तो तुम्हें बात याद रखनी है कि जीडीपी इज अ ग्रेट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमी, इट्स अ ग्रेट इकोनॉमिक इंडिकेटर, बट इट इज नॉट अ गुड इंडिकेटर ऑफ सोशल वेलफेयर। खाली जीडीपी को देख के सोसाइटी में कैसा काम चल रहा है वो आप नहीं समझ सकते। अब क्यों नहीं समझ सकते, क्या प्रॉब्लम है? तो चलो, इसकी चार प्रॉब्लम्स हैं या जिन्हें हम कहते हैं लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी एज अ सोशल वेलफेयर इंडेक्स। मतलब जीडीपी सोशल वेलफेयर इंडेक्स क्यों नहीं है अच्छा, उसके कारण क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, वो हम आज करेंगे। ठीक है, पहला है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत सवाल आते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो मैं ये तुम्हें क्वेश्चंस करवाऊंगी, बट फिलहाल के लिए कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। कॉम्पोजिशन का मतलब है जीडीपी किस चीज से बनी है। अब हमने कहा कि जीडीपी जो होती है वो गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन होती है, तो भाई हर टाइप का गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? तो जूते भी बन रहे हैं, गाड़ियां भी बन रही हैं, माचिस भी बन रही है, सिगरेट भी बन रही है, अल्कोहल भी बन रही है। तो कैसे पता चले कि जीडीपी के हर गुड्स या जीडीपी बढ़ाने में जो हर गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं वो सोसाइटी की वेलफेयर के लिए अच्छी नहीं होती? फॉर एग्जाम्पल, जीडीपी तो डिफेंस गुड्स बनने से भी बढ़ जाएगा, यानी बॉम्ब बनाओगे, मिसाइल बनाओगे तो भी जीडीपी बढ़ जाएगा, लिकर बनाओगे, अल्कोहल, सिगरेट, टोबैको तो भी जीडीपी बन जाएगा। लेकिन ये सब चीजें हम जानते हैं कि वेलफेयर को अच्छे से इंपैक्ट नहीं करती, उल्टा इंपैक्ट करती है। अगर तुम्हारे देश में सारे नशेड़ी हो जाएं, सारे बैठ के अल्कोहल पिए या सारे बैठ के सिर्फ स्मोक करें, तो फिर ये वेलफेयर को कहीं ना कहीं इंपैक्ट करेगा। जो पहली लिमिटेशन है जीडीपी की, इसीलिए वो ये है कि जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं हम ये नहीं देखते कि किन गुड्स एंड सर्विसेज से जीडीपी बढ़ रहा है। हम सिर्फ कहते हैं अगर गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ रही है तो जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन हम ये नहीं चेक करते कौन से गुड्स एंड सर्विसेज से जीडीपी बढ़ रहा है। भाई अगर अल्कोहल की फैक्ट्रियां लगने से आपका जीडीपी बढ़ रहा है तब तो बड़ी दिक्कत है, क्योंकि दिस विल डेफिनेटली एडवर्सली इफेक्ट योर वेलफेयर। आपके सारे लोग आपके नशेड़ी हो जाएंगे और आपके देश में, सो दैट इज नॉट अ ग्रेट थिंग फॉर सोशल वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो ये पहला प्रॉब्लम है जीडीपी का। ठीक है, क्लियर? कॉम्पोजिशन शब्द याद रखना, मतलब जीडीपी में क्या क्या आता है। सेकेंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, तुम्हारा देश अमीर है लेकिन तुम अमीर नहीं हो, इसका क्या मतलब हुआ? कई ऐसे देश हैं जिनके पास बहुत पैसा है लेकिन फिर भी वहां गरीबी है, ऐसा क्यों? या हमारा ही देश ले लो, हमारा देश बहुत गरीब नहीं है, वी आर फाइन, बट हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या, आवर पॉपुलेशन, और इस पॉपुलेशन के चलते और कुछ हमारे यहाँ के सिस्टम्स के चलते या हमारे यहाँ के करप्शन के चलते जो पैसा नेशनल लेवल पे कमाया भी जाता है ना, वो हर इंसान के पास नहीं पहुंचता, ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं होता। ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या होता है? पानी की बूंद ऊपर से छोड़ो तो नीचे जाके गिरेगी ना, यानी जमीन पे जाके गिरेगी ना। ठीक वैसे ही
अगर देश पैसा कमा रहा है, अगर देश में पैसा है, तो पैसा हर किसी के पास पहुंचता क्यों नहीं है? See, you have to understand, कोई पैसों की बारिश नहीं होने वाली, ना ही कोई पैसे बांट रहा है। बट सिस्टम्स ऐसे होने चाहिए इकोनॉमी में जिससे अगर कोई अंबानी बन रहा है देश में, तो बाकी लोग कम से कम एक अपनी शॉप, एक छोटी मोटी फैक्ट्री, अपना थोड़ा बहुत काम करने लायक तो बने। सिस्टम ऐसे होने चाहिए कि काम सबके लिए करना आसान हो, तो वो जो फायदा है ओवरऑल देश को, वो हर किसी के पास पहुंचे। जीडीपी का दूसरा जो लिमिटेशन है वो यही है कि पैसा कमाता है देश, बट इट डज नॉट कम डाउन टू द लोएस्ट लेवल। जीडीपी ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं होता, वो सबको पैसा नहीं मिलता, और इसीलिए हमारे देश में निरंतर कंटिन्यूअसली हैव्स एंड हैव नॉट्स का डिफरेंस बना रहता है। मतलब एक तरफ तो अंबानी जैसे लोग हैं और दूसरी तरफ धारावी, एशिया का सबसे बड़ा स्लम भी हमारे देश में है। यू रेडी माय पॉइंट? तो ऑब्वियसली जब पैसा हर किसी के पास नहीं पहुंच रहा, तो तुम कैसे कह सकते हो कि हमारे देश में हर कोई सुखी है, वेलफेयर ओरिएंटेड है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। थर्ड, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। वैसे ना तुम्हारी मम्मी ने कई बार बोला होगा, आई डोंट नो अगर बोला है, बट मतलब आई नो हमारे घर में मेरी मम्मी बोला करती थी कि अगर मम्मियों का काम करा हुआ जीडीपी में ऐड होने लग गया ना, वैल्यू अगर होने लग गई, तो मैं तुम्हें बता रही हूँ इंडिया की जीडीपी इतनी ज्यादा हाई हो गई कि जिसका तुम सोच भी नहीं सकते। नाउ बट व्हाई डोंट वी इन्वॉल्व मम्मी जो काम करती है अपने घर के लिए, तो थोड़ा बहुत काम भी मारती हूँ, घर के लिए खाना बनाती हैं, घर की सफाई करती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं। चलो मैं यही तीन ले लेती हूँ। अगर मार्केट में आप खाना खाते हैं तो आप पैसे देते हैं, अगर आप अर्बन क्लैब या किसी ऐसी कंपनी वालों को बुलाते हैं जो आपके घर की सफाई करे तो आप पैसे देते हैं, अगर आप बाहर जाके पढ़ते हैं स्कूल या ट्यूशन तो आप पैसे देते हैं, तो मम्मी के पैसे क्यों नहीं कैलकुलेट हो रहे जीडीपी में? ऑलराइट, सो ब्रिलियंटली इसका आंसर ये है कि मम्मी के किसी भी काम की वैल्यूएशन करना इम्पॉसिबल है। माताओं का काम जो होता है वो इट इज इम्पॉसिबल टू वैल्यूएट इट, आप उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते मॉनेटरी टर्म्स में, मनी टर्म्स में। तो क्योंकि उसकी वैल्यू आप मनी टर्म्स में नहीं निकाल सकते, इसीलिए वो जीडीपी में नहीं आ सकती। सिमिलर तरीके से अगर आप बाटर सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, आलू ले, अनाज ले जा, चप्पल दे, बफलो ले जा, तो ये भी मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं हो रही, तो ये जीडीपी में नहीं आएगी। अब इनका सोशल वेलफेयर से क्या लेना देना? ऑफ कोर्स लेना देना। आपकी मम्मी इतना काम कर रही है लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उनकी काम की मॉनेटरी वैल्यूएशन नहीं हो सकती। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट हमारे देश में कई बार ऐसा, अब तो काफी अर्बन एरियाज में चेंज आ गया है, बट अभी भी फीमेल्स का थॉट ऑफ कि ऐसे यार तो क्या करती है, घर में बैठी तो रहती है, कोई काम थोड़ी ना करती, हाउस वाइफ तो ऐसे ही सोचते हैं कुछ नहीं करती, क्या करती है, खाना ही तो बनाती है। बट दे डोंट नो कि वो खाना बनाना, बच्चे पालना, काम करना, अगर उसकी मॉनेटरी वैल्यूएशन होने लग गई तो इनका काम, मतलब जीडीपी इतनी ज्यादा इन्फ्लेट हो जाएगी जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। रेडी माई पॉइंट? तो तीसरा प्रॉब्लम जो है जीडीपी का, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, ऐसी चीजें जो मॉनेटरी टर्म्स में नहीं एक्सप्रेस हो सकती पैसे के टर्म्स में, वो जीडीपी में कैलकुलेट ही नहीं होती। तो अगेन वेलफेयर उससे रिलेटेड होता है, वो जीडीपी में नहीं दिख रहा। चौथा पॉइंट है एक्सटर्नैलिटीज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नैलिटीज वाला पॉइंट अपने आप में चार नंबर का क्वेश्चन आता है, इट कैन बी अ वन मार्कर ऑल्सो। अब एक्सटर्नैलिटीज क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज के कई गुड और बैड इम्पैक्ट होते हैं, और कई बार ये ऐसे इम्पैक्ट हैं जिनके लिए जो उन्हें कंज्यूम कर रहे हैं ना उन्हें पैसे देने पड़ते हैं और ना ही वो उनके लिए कोई पनिशमेंट होती है। मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। तुम्हारे पड़ोस में किसी कंपनी ने बहुत सुंदर पार्क बनवाया, ठीक है, ऑब्वियसली पार्क उन्होंने बनाया, पैसे उन्होंने खर्चे, तो ये उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। उन्होंने क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी की? पार्क बनवाया, पैसे खर्चे। पर उस पार्क का फायदा कौन उठा रहे? हम सब लोग, हम रोज जाते हैं, सैर करते हैं, मजे मारते हैं, अपनी सेहत बढ़ाते हैं, और हम उस पार्क को यूज करने के लिए कोई पैसे नहीं दे रहे, करेक्ट? तो ना दिस इज नोन एज एन एक्सटर्नैलिटी, और ये पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है। मैंने क्या कहा, एक्सटर्नैलिटी की डेफिनेशन क्या है? गुड बैड इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी विदाउट हैविंग टू पे प्राइस और पेनल्टी फॉर इट। अब आप इसी एग्जाम्पल को देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या थी? पार्क कंस्ट्रक्शन। उसका अच्छा इम्पैक्ट क्या है कि हम लोगों की सेहत अच्छी हो रही है। क्या हम उसके लिए पैसे दे रहे हैं? नहीं दे रहे। दिस इज एन एक्सटर्नैलिटी, और ये वो एक्सटर्नैलिटी पॉजिटिव है क्योंकि ये मेरे को फायदा कर रही है, लेकिन मुझे उसके लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ रहे, फ्री में है मेरे लिए। तो ये जो एक्सटर्नैलिटी है ये जीडीपी में कहीं काउंट नहीं होने वाली। वो फैक्ट्री है या वो कंपनी ये नहीं कह सकती कि मैंने पार्क में चार चीजें, मैंने पार्क भी तो बनाया है, मैंने एक गुड बना के दे दिया, सर्विस है जी, इसको भी जीडीपी में इंक्लूड करो, नहीं होती।
सिमिलरली जो नेगेटिव इफेक्ट है वो भी इंक्लूड नहीं होता। अब हाल फिलहाल में पिछले साल की बात है, किसी फैक्ट्री ने यहाँ ब्यास में हिमाचल के पास अपने जो पोल्यूटेंट्स थे, मतलब जो अपनी फैक्ट्री से सारा कचरा था वो नदी में बहा दिया। उसके रिजल्ट से सैकड़ों फिशेज जो ब्यास में होती हैं वो मर गई एंड द वाटर बिकेम एक्सट्रीमली पोल्यूटेड एंड टॉक्सिक। और उसके चलते वहां के लोगों का पानी पीने की प्रॉब्लम हो गई, टॉक्सिसिटी बढ़ गई, जो वहां फिशिंग करते हैं उनका लाइवलीहुड गया। सरकार ने फटाफट एक्शन लिया और उनको बैन कर दिया और उनपे फाइन भी लगा दिया, ठीक है। लेकिन गाइस ये तो तब था क्योंकि ये बहुत बड़े स्केल पे था और इसका बहुत बड़ा असर हुआ तो जाके उस पर वो कर दिया। लेकिन जनरली आए दिन फैक्ट्रियां लगती हैं, पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन से हमारी सेहत खराब होती है। ये छोड़ो, मैं कहती हूँ कोई गार्बेज डंप, मतलब अपनी नालियां खुली छोड़ देते हैं फैक्ट्री वाले या गार्बेज नदियों में बहा देते हैं, उसका नतीजा या उसका जो नुकसान है वो हम सबको भुगतना पड़ता है। हम पैसे ज्यादा खर्च करते हैं डॉक्टर के पास जाने के लिए, ठीक है। लेकिन ये चीज भी, इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, ये है बैड इंपैक्ट ऑफ व्हाट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी प्रोडक्शन हो रही है और इसका हमें पेनल्टी नहीं पे करनी, हम इसके लिए कोई पनिशमेंट हमें नहीं झेलनी है, वो भी नहीं झेल रहे जो कर रहे हैं। ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है, ये भी जीडीपी में नहीं आती। यू गेटिंग माय पॉइंट? इसका असर भी जीडीपी में नहीं दिखता। तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट, जबकि एक्सटर्नैलिटी जो है ना ये सोशल वेलफेयर को बहुत इंपैक्ट करती है। खुद सोचो, पार्क बना तुम्हारी सेहत बनी, वेलफेयर अप हुआ, पॉल्यूशन हुआ तुम्हारी सेहत डाउन हुई, वेलफेयर कम हुआ। इट इज डायरेक्टली इंपैक्टिंग योर वेलफेयर, लेकिन ये जीडीपी में कहीं भी अकाउंट नहीं होती। तो इन सब कारणों से जीडीपी जो है ना, तो जब तुम किसी कंट्री का सुनते हो ना उसकी जीडीपी बहुत अच्छी है, ऑटोमेटिकली मत अज्यूम किया करो कि जीडीपी बहुत अच्छी है ना तो वहां लोग सुखी भी बहुत होंगे, वेलफेयर भी होंगे। नो, यूएस को लेकर लोग बहुत कहते हैं कि बहुत अच्छा देश है। तुम्हें पता है न्यूयॉर्क एंड ऑल में कितनी मगिंग होती है, वहां कितनी लूटपाट है, दिन दहाड़े गोलियां चल सकती है। तो वेलफेयर और जीडीपी आपस में रिलेटेड नहीं है। जीडीपी इज अ वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमिक इंडिकेटर अच्छा है, सोशल वेलफेयर इंडिकेटर अच्छा नहीं है बिकॉज ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स। ओके, क्विक रन थ्रू। कॉम्पोजिशन का मतलब जीडीपी किसी भी चीज से बढ़ जाएगी, हमें वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी कई चीजें हैं जो जीडीपी बढ़ा रही है बट दे आर नॉट वेलफेयर ओरिएंटेड। सेकेंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, कमाली अपने देश में पैसा हमारी जैसे चार पांच और निकल आए तो क्या करें, 135 करोड़ की हमारी जनसंख्या, हर किसी के पास पैसा पहुंचेगा तो हम कहेंगे कि वेलफेयर बहुत बढ़िया है, वो फिलहाल नहीं होता। थर्ड, नॉन मॉनिटरी एक्सचेंजेस, कई ऐसी चीजें हैं जिनकी वैल्यूएशन करना इम्पॉसिबल है तो वो नहीं आती जीडीपी में, और बार्टर सिस्टम की चीजें भी नहीं आती जीडीपी में। एक्सटर्नैलिटी, किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का अच्छा बुरा कोई भी इम्पैक्ट जीडीपी में अकाउंट नहीं होता, जबकि ये अपने आप में वेलफेयर को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है, ठीक है। आई होप यू आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट। अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। चल देन, बाय बाय।